हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि रात के 1:30 बज गए हैं यार, और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। सैटरडे है आज, सैटरडे हो गया मतलब कि फ्राइडे था, आज 1:30 बज गया, तो ऑब्वियसली क्वाइट ऑब्वियस सैटरडे हो चुका है। और देख रहे हो मैं भी सोया नहीं हूँ, कितना मैसी सब है यार एकदम मतलब। और मैं बस वही बकचोदी करता रहता हूँ। वैसे मेरा नाम रियल नेम जय है और शब्द होता है कि नाम चैनल वैनल बना रखा है बकचोदियों के चक्कर में, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, लोग मुझे थोड़ा सा बस पोएट्री एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, थोड़ा बहुत राइटिंग कॉन्टेस्ट और ये सब बकचोदी की है लाइफ में, मतलब कुछ ना कुछ उखाड़ा है भाई, तो ये सब चल रहा है। और बस हाँ, ऐसे ही बकचोदियाँ चल रही है, जीवन कट रहा है, थोड़ी बहुत नौकरी शौकरी चाकरी वाकरी चल रही है भाई। गाय गुड है, गुड है। तो गाइस पहले तो ये देखो घर कितना गंदा मैसी पड़ा है यार। ये देखो, ये हमारा बेड है और ये बेंच, मैंने बेड को यार देख रहे हो कि गद्दे को पलट के ऐसे कर दिया है, क्योंकि वो क्या है ना कि गर्म हो रहा था। और ये सब ये देखो, ये कितना मैसी पड़ा हुआ है, ये जूते चप्पल उधर बिखरे पड़े हैं और ये सब। तो गाइस बस यही है। और भाई साहब ये देखो, हमारा किचन है, ये हमारा बाथरूम है, लेटरिन है, ये वो ताम झाम चल रहा है, जीवन कट रहा है। तो गाइस गाइस वाइस नहीं यार, ऐसे भाई लोग हो आप लोग, भाई बहन बहना मित्रगण, तो दोस्तों यही सब चल रहा है यार, क्या करें, जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो अब 1:30 बज चुका है, सोने की देखो नींद भी आ नहीं रही है। ब्लॉग बहुत छोटा है, ये पहला ब्लॉग है मेरा, तो मतलब इसको मैं माई फर्स्ट ब्लॉग कह के टाइटल दे के अपलोड मारता हूँ। तुम लोग इसको देख के थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करो, अगला ब्लॉग ये सब बकचोदी सब आएगी भाई, सब एकदम आग लगा देंगे, आग, समझ रहे हो ना। तो ये सब बकचोदियाँ चालू रहेंगी और बस साथ दो, थोड़ा देखते हैं क्या करते हैं, मचाते हैं, शायरी वायरी पोएट्री वायट्री राइटिंग्स वाइटिंग्स सब होगा भाई साहब, मजा आएगा। तो बस यही है जीवन में भाई साहब, आप लोग भी थोड़ा कमेंट वॉमेंट ये सब कमेंट बाजी करो, लौंडिया बाजी से फुर्सत निकालो और थोड़ा कमेंट बाजी में घुसो भाई साहब लोग, समझ रहे हो ना। कब तक लौंडिया बाजी में उलझे रहोगे यार, जिंदगी में कुछ करो, कुछ बनो, कुछ आगे भी तो बढ़ना है, कुछ करना भी तो है। मतलब वर्चुअल लौंडियाबाजी भी कितने लोग तो आज करते हैं, आजकल करते हैं, सोशल मीडिया पे लौंडियाबाजी बकचोदी पेल रहे हैं, लड़कियां ताड़ रहे हैं, पढ़ा रहे। भाई वर्चुअल दुनिया से भी आगे निकलो, कभी असली असली में दुनिया में जाओ ना, थोड़ा देखो क्या चल रहा है भाई, समझो। तो यही सब है भाई साहब लोग। और या बकचोदी बहुत कर ली मैंने, ज्ञान बहुत दे लिया, आज के लिए काफी। अब मिलते हैं कल और अपलोड करते हैं कल का वीडियो, इसको तो आज ही अपलोड करके बच्चों दे लेंगे भाई साहब, हैं। तो बस यही है गुरु, लाइफ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल मतलब कतई सिंपल है यार, और इतनी बोरिंग है ना, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब गरीब टाइप का जीवन चल रहा है भाई साहब। कल सैटरडे है बट हमारी छुट्टी सैटरडे भी नहीं है, बैंक ऑफिस जाना है सैटरडे को भी। और यस, मैं बहुत ही सिंपल सीधा सादा, पर थोड़ा हाँ स्मार्ट हूँ, मोटा गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जिम कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, लॉकडाउन ने बहुत मार रखी। लॉकडाउन के पहले मैं बहुत फिट था, मतलब क्या बोलूँ, 1 साल मैंने जिम किया बहुत परफेक्ट तरीके से और एकदम मस्त बॉडी शॉडी थोड़ी अच्छी हो गई थी। बट ये लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन में इतना फर्क नहीं पड़ा गुरु, लेकिन जब दूसरा लॉकडाउन लगा ना भाई साहब, फट के हाथ में आ गई, मतलब कुछ हो ही नहीं पाया। और अब उसके बाद मैं गरीब, लॉकडाउन जब से खुला है दूसरा ना, तब से कोशिश में लगा हूँ कि भाई अब जिम कंटिन्यू कर लूँ, अब जिम कंटिन्यू कर लूँ, बट 2 दिन गया, 3 दिन गया, गैप हो गया, इस तरीके से पूरा गैप हो जा रहा है। तो गुरु मतलब मोटिवेशन भी नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अगर मान लो कि कुछ करने लग जाए, उस फील्ड में घुस जाए कि जहाँ से भाई, फिर तो मोटिवेशन आने लग जाएगा ना कि भाई सुंदर दिखना, स्मार्ट दिखना, वरना ऑडियंस देखेगी तो क्या बोलेगी। मान लो हमारे सब्सक्राइबर आज बढ़ जाते हैं, ये सब बकचोदी चल जाती है हमारी, तो ऑब्वियसली मुझे स्मार्ट दिखने का मन करेगा ना, तो गोरा चिट्टा ऐसे थोड़ा सही लगता हूँ, सही हूँ। अरे यार मैंने वीडियो गलत तरीके से रिकॉर्ड कर लिया, अच्छा ऐसे रिकॉर्ड करना था ना, कोई नहीं। ओ भाई बाथरूम बंद कर देता हूँ, हाँ तो ऐसे अब रिकॉर्ड किया करूँगा। तो यही है गुरु, बस यही चल रहा है। खैर अभी वाली वीडियो तो ऐसी जैसे कि तैसे अपलोड कर दूंगा यार, मुझे एडिटिंग वेडिटिंग ज़्यादा आती नहीं है, रुको मैं फैन ऑफ कर देता हूँ तो आवाज़ सही आएगी। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, हाँ तो बस यही है गुरु कि बस देखता हूँ यार क्या करना है क्या नहीं करना, लाइफ को एक्सप्लोर करने में लगा हुआ हूँ। तो हाँ मैं मोटापे वाली बात पे था,
तो दूसरे लॉकडाउन में गुरु क्या हुआ कि ना मोटापा मेरा मतलब बहुत ऐसे चुटकियों में बढ़ने लग गया भाई। तो क्योंकि कहीं कोई वॉक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा ना भाई साहब, कुछ भी नहीं हो रहा है। जीवन एकदम सॉर्टेड, खाना है, सोना है, ऑफिस, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा, अभी जाके ऑफिस आने लग गया। तो खाना है, सोना है, खाना है, सोना है, खाना है, सोना है, ऑफिस का काम बैठे बैठे बेड पे ही करना है। तो अब जाके ऑफिस शुरू हुआ, तो थोड़ा बहुत वॉक चालू हुआ है। तो अब मैं थोड़ा सा रूटीन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है यार, थोड़ा फिक्स हो जाए और कुछ ना कुछ हो। तो अब देखो मुझे बात करने का बहुत मन करता है, तो अब कोई मेरे पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं है कि मैं बात किससे करूंगा, ये सब किससे करूँ। घर से दूर रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, मम्मी पापा है नहीं यहाँ पे, घर पे हैं। मैं कभी कभार फोन फोन करके ऐसे बात हो जाती है, गर्लफ्रेंड है नहीं, जीवन एकदम कंगाल, एकदम लाइक तन्हाई में काट रहा हूँ गुरु। बहुत समस्या है हमारे जीवन में, तो तुम लोग थोड़ा ना देखो कुछ कुछ तो करो मित्रों, प्लीज यार। और ये मोटा गया हूँ जो ना, जो मोटाई दिख रहा है मेरा, मतलब थोड़ा फूले फूले गाल और ये सब इन ऑल, तो ये हम बहुत जल्दी कंप्लीट इसको ना, क्या बोलते हैं उसको, ड्रास्टिकली चेंज, और वो क्या बोलते हैं आजकल बड़ा ट्रेंडी वर्ड है, क्या बोलते हैं यार, ट्रांसफॉर्मेशन, वो कर लूंगा गुरु मैं। तुम लोग बस ये थोड़ा सा हम मेरा साथ दे दो ना, मैं ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसे चुटकियों में कर लूंगा यार, मतलब अपने को चलता है ब्रो। तो बस यही है, तो आप लोग प्लीज यार, मेरे ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मेरे चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब करो, बिल्कुल रॉ और एकदम क्या बोलते हैं अनफिल्टर्ड, कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई म्यूजिक भी, मैं तो मुझे एडिटिंग ही नहीं आती, वो सब भी मैक्सिमम टाइम नहीं होगा मे बी, तो कोई फिल्टर नहीं होगा पहली बात। तो बिल्कुल रॉ तरीके से अपन लोग बात करेंगे, एकदम मस्त चिल करेंगे और एक एक चीजें शेयर करेंगे, अपन एकदम भाई की तरह है ना भाई, कि तुम्हें जो दिक्कत है, जो समस्या है तुम बताओ, हमें जो है हम बताएंगे ये क्या हो गया। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग एकदम इंटरेक्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं। ये देखो मेरा चश्मा, स्टाइलिश चश्मा हमने खरीदा था, मतलब चूतिये ने ऐसा मतलब बोल के कि शाहरुख खान ने लगाया था इसमें, किसमें क्या बोलते हैं उसको, रईस पिक्चर में ये चश्मा लगाया था, भैया ये ले लो आप। तो उस चक्कर में साले ने मुझे महंगा चेप दिया चश्मा, ये वाला, ये थोड़ा देखो नजदीक से देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ये देखो ऊपर की साइड ना एक ही इसमें पत्ती लगी हुई है, नीचे यहाँ पे ना पत्ती नहीं, अरे गिरा गया बेंचो, हाँ तो यहाँ पे ये यहाँ पे ना दूसरी पत्ती नहीं लगी हुई है, ऊपर खाली पत्ती लगी हुई है इसमें। तो ये है, इस चश्मे में थोड़ा फैंसी डिजाइनिंग बना दिया है और इसी बात पे चेप दिया पैसा मुझे उसने। तो ठीक है यार, आज के लिए बस इतना काफ़ी, आई थिंक ठीक है, कितना ही पकाऊँ मैं आज के लिए, ठीक है, बाकी कल से पकाऊंगा। मैं कहीं भी जाऊंगा तो अपन लोग अपना मस्ती करेंगे, चिल करेंगे, काटेंगे जीवन, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू गाइड, और अभी मैं सोने का कोशिश करता हूँ मैं, तो गुड नाइट, टेक केयर, सबा खैर, बाय बाय, वंदे मातरम।